सब्सक्राइब करें डी क्रिकेट चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पहुंचे आपके पास सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, डिजायर क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। अजिंक्य रहाणे की वजह से रन आउट हुए ऋषभ पंत, फैंस ने लगा दी रहाणे की क्लास और आउट होने के बाद पंत ने किया ऐसा। जी हाँ, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट श्रृंखला के पहले मुकाबले की पहली पारी में भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। वह मैच के दूसरे दिन सिर्फ 165 रन बनाकर सिमट गई। पहली पारी में भारत का एक भी बल्लेबाज 50 रन का आंकड़ा नहीं छू सका, लेकिन सबसे निराशाजनक रहा ऋषभ पंत का रन आउट होना। दरअसल ये बात है 59वें ओवर की। टीम सऊदी की गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने पॉइंट पर डिफेंसिव शॉट खेला और एक रन के लिए दौड़ पड़े। ऋषभ पंत इस रन के लिए तैयार नहीं दिखे, वे स्टार्ट लेने के बाद ठहर से गए। दूसरी ओर रहाणे को यकीन था कि यह रन हो सकता है और वो बिना देखे दौड़ पड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पॉइंट से एहसास पटेल का डायरेक्ट थ्रो सीधा स्टंप पर जा लगा और ऋषभ पंत रन आउट हो गए। रन आउट होने के बाद ऋषभ पंत ने अजिंक्य रहाणे की तरफ देखकर निराशाजनक रिएक्शन दिया। अब इस रन आउट पर क्रिकेट फैंस से लेकर पूर्व क्रिकेटर तक में एक बहस सी दिखी कि आखिर गलती किसकी थी। कुछ लोगों ने ऋषभ पंत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और कुछ ने अजिंक्य रहाणे की गलती बताई। संजय मांजरेकर ने कहा कि पंत रहाणे के बजाय गेंद को देख रहे थे और इसी कारण उनमें रन लेने की हिचकिचाहट दिखी, जो कि उनके रन आउट का ये कारण था। लेकिन ऋषभ पंत के फैंस ने रहाणे की क्लास लगा दी। फैंस का मानना है कि ये सारी गलती अजिंक्य रहाणे की थी। अब आप कमेंट में ये बताएं इन दोनों बल्लेबाजों में से गलती किसकी थी। और अगर आपको इस घटना की पूरी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, डी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।